एवरीवन, वेलकम बैक टू तनु की छोटी सी दुनिया। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये बैग क्यों लेके भेज हुई सिर्फ बैग। तो मेरे पास बहुत सारे बैग है और एक बैग है यहाँ पर। तो हम लोग उस दिन सिलचर गए थे, तो सिलचर जाके हम लोग मॉल में गए। मॉल में गए तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग मॉल में जाए और कुछ ना लें, तो हो ही गया कि हम लोग ने कुछ कुछ ले ही लिया है सबके लिए। सबके लिए बोले मैं सिर्फ हम तीन लड़कियों के लिए, मतलब मम्मी मैं और ब्यूटी पाई के लिए, और बच्चों के लिए नहीं लिया है, पापा और बाबू का बाकी है। तो नॉर्मली घर पे पहनने का है, तो मैं आप सबको एक एक दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसा लिया है। तो मैं आपसे शुरू करती हूँ। तो पहले मैं नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि मॉल में ना कपड़ा जो होता है हैंगिंग नहीं होता, एक एक निकालो और ले लो, मतलब ऐसा नहीं फोल्ड करके नहीं देते। तो मैं दिखाती हूँ फर्स्ट, यहाँ से शुरू करती हूँ मम्मी से। तो ये है पिंक कलर का एक कुर्ता, बहुत ही सुंदर है। तो ये है मम्मी का, ये है मम्मी का, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग देख सकते पिंक कलर, पिंक कलर जो है मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें डोरी भी रहता है, जो आप मतलब टाइट कर सकते हो या फिर लूज लगना है तो लूज। मतलब अभी का जो निकला है ना नया एक स्टाइल, तो इसमें क्या कहता है स्क्वायर टाइप का है और बहुत ही सुंदर है ये। मतलब पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। और ये जो पिंक कलर है बहुत अच्छा लगता है। और अभी क्या हुआ है कि हर एक कपड़े के साथ सेम कलर का मास्क भी मिलता है, तो मतलब एक मतलब फैशन ही हो गया है मास्क का। तो जैसा कपड़ा पहनो ऐसा मास्क भी पहनो, ऐसा कलर भी पहनो, क्या जाता है ना। तो और एक दिखाती हूँ मम्मी का है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं, और एक है, और एक है यहाँ पे। तो ये भी मम्मी का है, ये भी नॉर्मल में है, बहुत सुंदर है अभी। बट इसमें मार्क्स नहीं दिया है, यही प्रॉब्लम है, इसका मार्क्स नहीं है। ये भी मतलब हाई एंड शॉर्ट जो होता है ना, पीछे तरफ लॉन्ग होता है, ऊपर मतलब सामने तरफ जो शॉर्ट होता है, ये भी मम्मी का है, बहुत सुंदर है अभी। और भी है, तो मैं पहले मम्मी का ख़त्म कर लेती हूँ। एक येलो कलर का है, प्रिंटेड है, इट्स सब कॉटन का है, जितना भी कपड़ा है सब कॉटन का है। और जो है ना चुमकी का काम एक भी नहीं है, मतलब सब जो है ना एम्ब्रॉयडरी है, सूता का काम है। ये भी एक मम्मी का है, एक नाइटी है, इसे हम अब ना हम फ्रॉक या कुर्ता के टाइप का भी पहन सकते हो। तो इसमें भी डोरी दे दिया है, ये भी बहुत सुंदर है। इसका जो घेर है ना बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में, बहुत अच्छा लगता है इसे। तो मम्मी बोरी है तो उनको येलो बहुत अच्छा लगता है, और मेरा येलो कुर्ता इतना भर चुका है ना, जो येलो देने का एकदम मन नहीं है। तो ये था मम्मी का, और एक लाती हूँ अभी, है क्यूटी पाई का। तो एक क्यूटी पाई के लिए एक टॉप है, सेम है कुर्ता टाइप का ही है, बट यहाँ पे भी मतलब डिजाइन लेवल जो है बहुत सुंदर है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा लगता है इसको जीन्स के साथ पहनो, प्लाजो के साथ, एयर टॉप के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब हम लोगों ने एक ही मॉल से लिया था, रिलायंस से। और एक है क्यूटी पाई का, ये भी क्यूटी पाई का सेम मम्मी का जैसा है ना, पिंक कलर में और येलो कलर में सेम ऐसा में ये भी। तो ऐसा है, इसमें भी क्या है ना, इसमें मास्क दिया है, तो मास्क कहाँ पे खुला हुआ है, मास्क सबके साथ मतलब वहाँ पे मास्क है। तो ये सब कॉटन का है, मतलब स्मूथ है और पहनने में बहुत आराम है ये सब। और मैंने अपने कुछ का मास्क है यहाँ पे, सेम सेम मास्क एक्सप्रेशन है ये सब अभी का। और मैंने अपने लिए जो लिया है एक वाइट में, सिंपल में लिया है नॉर्मली। तो मार्केट वगैरह जाने में ऐसा लग ही जाता है, तो नॉर्मली ले लिया। और ये प्रिंटेड है, मतलब इसमें ना ये जो कलर है ना, तो इसमें आप हर एक कलर का प्लाजो पहन सकते हो, इसीलिए मैंने ऐसा में लिया, क्योंकि एक कलर का मतलब मैचिंग करके पहनने से ही अच्छा लगता है। तो अगर मैं रेड में रहती तो व्हाइट प्लाजो भी पहना पाता। इसमें मतलब जो कलरफुल काम किया हुआ है ना, ये सब कॉटन है, मतलब सभी कुर्ता जो है कॉटन का है, कपड़ा जो है कॉटन का ही लेते हैं हम लोग, आराम होता है। तो ये भी अप एंड डाउन है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक लिया, इसके साथ मैच करके एक दुपट्टा लिया, ये वाला है उसका दुपट्टा। तो ये ब्लैक में भी बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने प्लाजो के साथ ये वाला एक ले लिया, तो प्लाजो भी लिया है मैंने। मुझे प्लाजो सबसे ज़्यादा मुझे प्लाजो ही पसंद आया है। तो ये वाला जो है दुपट्टा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा दुपट्टा, मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ जो मैंने लिया है मैच करके इस कुर्ते के साथ, एक दुपट्टा नहीं है, ये प्लाजो है। तो ये प्लाजो को आप लोग देख सकते हो ना, मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है ना, ये देखिए सिर्फ एक पेयर का है, इतना घेर है ना इसमें। मुझे ना ज़्यादातर जूनिपार का प्लाजो जो है मैं वही पहनती हूँ, क्योंकि जूनिपार का जो प्लाजो होता है बहुत अच्छा आता है, और घेर में भी आता है, और इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ये जो है प्लाजो, इसमें भी सिंपल है, वन कलर का भी है, मतलब ग्लेजी है थोड़ा,
और ये जो है ना यहाँ पे मतलब जो है एम्ब्रॉयडरी में जो दिया है यहाँ पे ये मतलब बॉर्डर में जो दिया है ना मतलब से फैब्रिक का है, फैब्रिक और सूता का काम किया हुआ है, बहुत अच्छा है। मतलब इसका मतलब चुमकी वाला कपड़ा लेने से क्या होता है हम लोग पहन नहीं पाते हैं और वॉश कहीं जाने से पार्टी वेयर ये सभी पहन पाते हैं, अदरवाइज वो अलमारी में पड़ा रहता है। तो ऐसा कपड़ा खरीदते हैं कि ताकि मैं हम लोग कहीं पहन के यूज करके बाद में हम लोग घर पर भी पहन पाए, अच्छा होता है। तो मतलब ये जो है ना कलर भी नहीं जाता है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये सब। और एक तरीके मुझे प्लाजो इतना अच्छा लगता है ना, ये मुझे बाबू ने गिफ्ट किया। तो नॉर्मली ऐसे पूजा का भी शॉपिंग बाकी है, बच्चों के लिए भी हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने पूजा में, तो घूमना नहीं है फिर भी कपड़ा तो लेना पड़ता है, अच्छा लगता है कपड़ा लेना हर पूजा में। मतलब कितना भी आपका उम्र हो जाना आपको मतलब लड़की लोग को ज़्यादा मतलब गिफ्ट कोई दे देना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो गिफ्ट बहुत पसंद है। और ये मुझे बाबू ने गिफ्ट किया है मुझे, और प्लाजो मेरा फेवरेट है। मतलब मैंने जो पहना भी है ना, तो ये मैंने जो निपर से ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किया है बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट ये भी कॉटन का ही है। तो ये मैंने जो पहना है वो बाबू ने गिफ्ट किया है, और मतलब इतना अच्छा लगता है ना प्लाजो मुझे। एक कपड़ा ना इतना स्मूथ है ना, मतलब क्या बोलो, इसके साथ ना आप कुर्ता भी पहनो प्लाजो के साथ अच्छा लगता है, या फिर टॉप भी पहनो अच्छा लगेगा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब नीचे जो पहनने दोनों पहनने के बाद ना ये पहनने के बाद लग रहा है कि मैंने कोई ग्राउंड पहना है, इतना अच्छा लग रहा है, फुल जा रहा है। और मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने ट्राई कर लिया था एक बार पहन के वहीं पे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो बाबू ने बोला और भी उठा लो, तो मैंने कहा नहीं अभी तो पूजा आ रहा है, और भी कलेक्शन अच्छा अच्छा आएगा तो तब जाके हम लोग लेंगे, और बाद में और भी अच्छा आ गया। अगर मैंने ये सब उठा लिया और भी बाद में अच्छा आया तो मम्मी एक अफसोस रह जाएगा कि यस मैंने क्यों तब इतना ज़्यादा ले लिया, एक क्यों नहीं लिया था। तो इसलिए बात के लिए मैंने पेंडिंग रख दिया, क्योंकि जाने से मुझे एक दो तो मिल जाएगा ना, तो अच्छा लगता है। तो लड़की लोग को पता है आप लोगों को कपड़ा कितना मतलब उन लोगों की कितना भी कपड़ा उन लोग के पास रहे तो उन लोग को मतलब और भी चाहिए चाहिए चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये मैंने लिया है, और पूजा का शॉपिंग जो अभी बाकी है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आज का जो मतलब हम लोग का कुर्ता का कलेक्शन था कैसा था, और कैसा लगा आप लोग को, और कौन सा अच्छा लगा। तो और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। तो कल मिलते हैं नए फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।